हेलो फ्रेंड्स, हैप्पी कृष्ण जन्माष्टमी। आज बहुत अच्छा दिन है, बहुत अच्छा मौसम भी है। आप देख सकते हो मैं अच्छे से रेडी भी हुई हूँ क्योंकि आज जन्माष्टमी है। तो वैसे तो बहुत अच्छी धूमधाम से ये फंक्शन जो होता है, फेस्टिवल बहुत अच्छे से सेलिब्रेट होता है, लेकिन बहुत अच्छे से लड्डू गोपाल की पूजा की जाती है। उसे नहलाकर दूध से अभिषेक करवा के बहुत अच्छे से उन्हें अच्छे से छोटे से प्यारे से कपड़े पहनाए जाते हैं, क्योंकि आप सब जानते हो कि आज कृष्ण जन्माष्टमी है। कृष्ण जन्माष्टमी है मतलब कृष्ण जी का जन्म हुआ था आज के दिन। तो पूरी दुनिया में बहुत अच्छी खुशी छाई हुई है, अभी इतनी खुशी छाई हुई है कि अभी बरसात भी हो रहा है बहुत। तो आप देख सकते हो कि आज मैं राधा बनी हूँ, जितना मुझे रेडी होना था मैं उतना रेडी हुई हूँ। तो और हमारे कन्हैया अभी जो है, जो अभी रेडी होंगे, तो कन्हैया के साथ उनकी माता मतलब माता यशोदा, उनकी बुआ और उनकी राधा अभी रेडी हुई हुई है आज। तो वो आज मैं आपको इस व्लॉग में दिखाऊंगी, तो आप सब अच्छे से देखना, लास्ट तक देखना कि हमारे हम कन्हैया को हम कैसे रेडी करते हैं। अब हम डुक्कू को रेडी करने जा रहे हैं, जिस पे सबसे पहले हम उसको तिलक लगा रहे हैं। चंदन का गोल सा बनाएंगे अभी से। कितने प्यार से लगा रहा है, आप देख सकते हो, एकदम प्यार से सोया हुआ है कि अभी क्या कर रहे हैं उसको, क्या कर रहे हैं, इसका एक्सप्रेशन देखो आप। डुक्कू, अरे वाह, कितना क्यूट सा दिख रहा है। एक लंबा, हाँ, एक रेड वाला जो है उसको ऐसे लंबा लगा लेते हैं। रेड वाला, हाँ, रेड वाला। अब बु 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 अब बु 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 बाबा, नहीं नहीं, उसका माथा ठीक, वो फिर वो लगेगा ना, इसपे मुकुट भी पहनाएंगे इसको। चुपचाप लगवा रहे हैं, मस्त है, अच्छी खासी से। दीदी तो बोलना नहीं होता है, दीदी तो बोलना नहीं होता तुझे। पापा बोलो, पापा 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 मामा, पापा चाहिए मामा, पापा। तो अब हम इसके माथे पे क्या लगाएंगे? बिंदी, चलो बिंदी लगा लो बेटा, बिंदी लगा लो। देखो मम्मा क्या लगा रहे हैं। देख, अब प्यार से लगा ले, कितना प्यार से लगवा रहा है, एकदम शांति से। उसको थोड़ा सा बड़ा कर दे मामी, और बड़ा, हाँ थोड़ा सा बड़ा कर दो, थोड़ा बढ़ा ले बस। हाँ अब लगा, बहुत प्यारा, बस बस बस। ये क्यूटी पाई, इसको क्यूटी पाई, क्यूटी पाई, क्यूटी पाई है तू, क्यूटी पाई। देखो डुगू कैसे अपने पैरों पे आलता लगवा रहा है, उसको इतनी गुदगुदी हो रही है, इतनी गुदगुदी हो रही है, फिर भी वो आलता लगवा रहा है, क्योंकि हम भी आलता लगाए थे तो वो देख रहा था कि क्या कर रहे हैं, सबके पैर इतने लाल लाल क्यों हैं। तभी वो कितने प्यार से आलता लगा रहा है, लेकिन उसको इतनी गुदगुदी हो रही है, और उसको जूता पहनना है फिर भी। क्यों हमारा कन्हैया, आज तो कान्हा बनेगा तू, हाँ पहले से आलता लगा रहा है, कितने अच्छे लग रहे तेरे पैर, दिखा छोटे छोटे तू, पीछे पीछे, चलो पीछे, हाथ पीछे, दिखाओ। अब देखो इसके हाथ पे भी लगेगा, कितने प्यार से गोल 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 गोल, वाओ अच्छा। डुगू क्या है हाथ पे तेरे, हाथ पे क्या है तेरे, दिखा हाथ पे क्या बना है तेरे, ये कैसे चल रहा है, ये कैसे चल रहा है, आप देख सकते हो ये कैसे, ये बेड पे कैसे सोफे से उधर से इधर हो रहा है, इसको बिल्कुल डर नहीं लगता, बस जहाँ देखो वो उधर उधर चढ़ जाता है, बस उसको क्रॉस करना बहुत अच्छा लगता है। अभी बदमाशी करेगा ये, अब क्योंकि कन्हैया बनने जा रहा है तो ये बहुत बदमाशी करेगा। तो अभी क्या करें, हमारा कन्हैया सुसु ना कर दे करके, इसको सबसे पहले तो हम डायपर पहनाएंगे। अपने डायपर को पकड़ा हुआ है, देख सकते हो अभी नंगू पंगू हो गया, हो शिव शिव, नी उंगली खा रहा है। पहन लिया तू डायपर, अब तेरे को अच्छा लग रहा है, पता अच्छा डुक्कू अच्छा लग रहा है डायपर पहन के, हाँ अब ये अपना कपड़े पहनने जा रहा है, उसको बहुत अच्छा लग रहा था, उसने खुद चूज किया है, क्योंकि इसके पास दो कपड़े थे तो इसने खुद चूज किया कि मैं ये पहनूंगा, उसमें ज्यादा अच्छा लगेगा। लेकिन अभी ये फिलहाल कितनी बदमाशी कर रहा है, आप देख सकते हो कितनी बदमाशी कर रहा है, दिखा
छोटू सा कपड़ा है इसका, कितना प्यारा सा है ये देख सकते हो। इसके पास एक और कपड़ा है, ये वाला भी बहुत प्यारा लग रहा है, लेकिन अभी हम इसको, पिछले बार हमने इसको ये वाला पहनाया था, अब हम ये पहनाएंगे इसको। लेकिन ये तो भाई इसका बांसुरी कहाँ है, ये तो भाई खिलौने खा रहा है, मछली खा रहा है। इसका बांसुरी खिलाएंगे इसको, खाते रहना खाते रहना। तो बुआ रेडी कर रही है, बुआ रेडी कर रही है। बुआ क्या बनी है, क्या बनी है बुआ? वो तो कृष्ण की बुआ है, कृष्ण की बुआ भी थी। तो आप देख सकते हो कि, अब आप देख सकते हो कि हमारी कृष्ण भगवान की मैया पहना रही है उन्हें कपड़े। तो ये तो हो गया उसका धोती, अभी देख रहे हो कितना प्यारा सा खड़ा हो रहा है ये। इसका धोती तो छोटू हो गया, छोटा हो गया रे तेरा धोती। वैसे तो तू बैठे ही रहेगा, इसके पास वैसे एक बड़ा वाला भी तो धोती है। क्यों, कैसा लग रहा है तुझे, हैं मरा कन्हैया? तभी तो धोती दिखेगा इसका। मम्मी को ऐसा लग रहा था कि वो अच्छी नहीं लग रही है, देखो अभी भी गुस्सा होके बैठी हुई है मुझसे, लेकिन वो अच्छी लग रही है। आप कमेंट में जरूर बताना कि मम्मी कैसी लग रही है। ठीक है, और इसको देखो ये तो अपने खेलने में बिजी है, देख सकते हो इसका माला कितना प्यारा है। तो हमारे कृष्ण जी अपना माला भी पहन लिए। ओए कैसा लग रहा है कन्हैया जी, कन्हैया अपने पैरों को देख रहे, देखते हो कैसे एकदम प्यार से देख रहे हैं। देख रही कैसे कर रही है कैमरा, इसको कैमरा चाहिए, मोबाइल में करना है इसको। गिर गया रे, गिर गया, गिर गया। अब देखो कैसे हो गया, गिर गया, उठ नहीं पा रहा है, गिर गया ये। ओहो कन्हैया हमारे कान्हा, आप देख रहे हो हमारे कान्हा की बुआ और उनकी मम्मा उन्हें कैसे रेडी कर रही है, देख सकते हो। और इसका ध्यान तो भाई मोबाइल की तरफ है कि क्या किया जा रहा है मेरे साथ, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है ये, क्या हो रहा है? तो बोल रहा है छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो, मुझे तकलीफ हो रही है, छोड़ दो, नहीं मुझे नहीं पहनना। इसका बोलना ये है, मेरा बोलना ये नहीं है, ये मैंने ये बोल रही कि मुझे नहीं पहनना। वैसे आज के लिए तो ये हमारे कन्हैया है, वैसे है भी छोटू सा हमारा कान्हा सा, उसको गड़ेगा ना नहीं तो मैं वो कर दूँगा। अब देख रहे हो अब इसका आ गया बड़ा मुकुट, बड़ा अरे ये तो ये वो गया ना, पिछले बार इसने मुकुट को पहना नहीं था, लग कैसी देगा ये, मैं से निकाल के फेंक देता है अपने मुकुट को। तो हमारे कान्हा जी को दोनों माताएं रेडी कर रही है, एक हमारे कन्हैया की बुआ और एक हमारे कन्हैया की माता। और लेकिन उस हमारे कान्हे को आप देख सकते हो उसका ध्यान किस पे है, उसका ध्यान तो सिर्फ मोतियाँ खाने पे है फिलहाल, कोई तो आ रहा है हमारे घर पे। ओ पीहू आई, मतलब हमारी कृष्ण की राधा आ रही है, ये हाय। तो हमारे कृष्णा से मिलने कौन आया है, हमारे कृष्णा की पीहू दीदी आई है, तो वो अपनी राधा को हाय कर रहे हैं क्योंकि उसे पुआ पीहू बहुत ज्यादा पसंद है, हमारे कृष्णा की फेवरेट दीदी है पीहू। मैं भी हूँ, उसको छूने नहीं देंगे, फोटो खिंचाते हैं। नहीं छूना है, नहीं 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 छूते उसे, वो बहुत कोशिश कर रहा है कि वो अपना मुकुट निकाल ले, लेकिन अब उसे हम निकालने देंगे नहीं, उसे बहुत परेशान करेंगे आज। गर्मी लगा थी ये अब बना ना कान्हा, थोड़ा सा नीचे काम नहीं आ पा, ये हमारे छोटे से कान्हा, इसका मुकुट भी थोड़े से नीचे कर देते हैं। हाँ अब सही, नहीं 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 कैसे खुश हो रहा है, आप देख सकते हैं कैसे खुश हो गया था ये, कितना खुश हो गया था बांसुरी देख के अपना।
चलो अब इसका हम जो लगेंगे अब हम इसका फोटो शूट करेंगे, क्योंकि इतना क्यूट सा दिख रहा है ये, तो मैं आपको थोड़ा देर बाद बताऊंगी कि उसके बाद जो फोटो शूट है वो आप मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे जाके चेक करिएगा। तो अभी के लिए मैं रखती हूँ, आपको बाद में बताती हूँ फिर आगे हम क्या कर रहे हैं। अब हम अपने कन्हैया को रेडी कर चुके हैं, तो इतने अच्छे लग रहे हैं। हमारा छोटू सा डुब्बू हमारा आज गाना बना है, जो कि बहुत ही ज्यादा क्यूट बहुत प्यारा लग रहा है। तो ये आज के हमारे कन्हैया है, हमारा कन्हैया तो गिर गया हमारा कन्हैया। ये देख, अब हमारा कन्हैया जो है उसको भूख लग रही थी, उसके कपड़े हम पूरा निकाल दिए क्योंकि उसको इरिटेशन हो रही थी, उस कपड़े में बहुत चुभन हो रही थी। अब देख सकते हो ये कैसे खेलने में बिजी है। अब इसका पेट तो भर गया, ये पेट इसका भर गया है तो बहुत खुश है। अभी हम इसको फिर से परेशान करेंगे, फिर से कपड़े पहनाएंगे। चलो आओ सबका पैर छुओ। देखो ये कैसे पैर छूता है, कितना प्यारा सा पैर छूता है, आप देख सकते हो। वैसे तो हमको छूना चाहिए, लेकिन मैं आपको ये दिखा रही हूँ कि ये कृष्णा जो है हमारा डुग्गो हमारा बहुत प्यारा है, बहुत संस्कारी बच्चा है। देख रहे हो कैसे पैर छूता है। हमारे कन्हैया ने हमें बहुत परेशान किया, बहुत ज़्यादा परेशान किया, क्योंकि वो छोटा सा है अभी और बहुत रो भी रहा था। और फिलहाल देखा जाए तो अब हमारे यहाँ बारिश भी हो रही है, बहुत तेज़ बारिश हो रही है, जिसमें वो थोड़ा सा भींग भी गया है। तो हमारे यहाँ फिलहाल कृष्ण जन्माष्टमी के दिन मटकी फोड़ होती है, जो कि शाम को होती है, और ये तो कंफर्म है, हर साल इतना तो होता ही है कि भाई अगर मटकी फोड़ हो रही है और बारिश ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। तो बारिश तो जम के होती है, आप सुबह देख सकते थे सुबह तेज धूप थी, लेकिन अभी आप देख सकते हो कि बहुत तेज बारिश हो रही है, बहुत ही ज़्यादा तेज, क्योंकि मटकी फोड़ का तो असली मजा बारिश में होता है, क्योंकि जब पानी ऐसे गिर रहा होता है तो सारे ऐसे एक के ऊपर एक चढ़े रहते हैं, और मटकी जब फोड़ते हैं तो उसका उत्साह जो होता है बहुत अच्छा होता है। तो मैं लास्ट में आपको मटकी फोड़ भी दिखाऊंगी कि हमारे यहाँ की मटकी फोड़ जो है वो कैसे होती है। तो बहुत अच्छा मटकी फोड़ होता है, वो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी शाम को अगर मैं बाहर निकल पाई तो। अगर नहीं दिखा पाई तो उसके लिए मैं अभी से सॉरी बोलती हूँ, क्योंकि बहुत तेज़ बारिश हो रही है तो मुझे अभी लगता नहीं है कि अभी स्टार्ट होगा, ऐसे तो शाम को होता है, बट देखते हैं कि अगर रुक गया तो हम ज़रूर जाएंगे मटकी फोड़ देखने। मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी कि मटकी फोड़ कैसे होता है। एक जय जय श्री राम, जय श्री कृष्णा। थोड़ा पीछे आप देख सकते हैं फ्रेंड, जो फर्स्ट प्राइज है इनाम राशि 3,53,000 एक ही आदमी को मिलेगा जिसका हाथ पूरा कट गया, कहा है जिसका हाथ पूरा। बहुत सुंदर, आ जाओ पुरुष को टीम, आ जाओ पुरुष टीम, आ जाओ। अच्छा ये बताओ हेलो फ्रेंड्स, तो कल की इवेंट में मैंने नहीं दिखा पाया मटकी फोड़ कैसे था, लेकिन अभी जो है हमारे मोहल्ले का मटकी फोड़ हो रहा है। आप पीछे देख सकते हो गाड़ियां आ रही है नीचे बसते हुए, और आप देख लो पीछे मटकी लगी हुई है, मैं आपको दिखाऊंगी अभी। तो मोहल्ला वाला तो दिखा सकती हूँ, बड़ा इवेंट वाला मैं दिखा नहीं पाई, लेकिन अभी वाला मैं आपको दिखाऊंगी। अभी यशोदा मैया कैसी लग रही है वो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि कैसे लग रहे थे हमारे कान्हा जी छोटे से लास्ट में। लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा मेरे चैनल को, आगे भी ऐसे मैं फंक्शन के आपको वीडियो दिखाते रहूँगी, ब्लॉग दिखाते रहूँगी, ज़रूर आगे हमारे चैनल को आगे शेयर करिएगा।
थैंक यू, धन्यवाद, हैप्पी कृष्ण जन्माष्टमी।